Hello students, now in previous videos we have completed lesson number 15, Manav Sangrahalaya, one of its kind, reading, explanation and exercise questions. Now today we are doing the question answer of that lesson. Question number 1 is students answer the questions given below. A. Why were Rohit and Rani not very excited that day? Rohit or Rani उस दिन ज्यादा एक्साइटेड क्यों नहीं थे? एंड द आंसर इज रोहित एंड रानी वर नॉट वेरी एक्साइटेड दैट डे बिकॉज द विंटर वेकेशन वॉज कमिंग टू एन एंड येट देयर वॉज स्टिल नो प्लान ऑफ गोइंग आउट ऑफ एन एक्सकर्शन. कि विंटर वेकेशन जो थी वो खत्म हो रही थी और अभी तक उनका एक्सकर्शन में कहीं जाने का कोई प्लान नहीं था. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय क्या है? आंसर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इज एन ओपन एयर म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड इन इंडिया. इट डिपिक्ट्स नॉट ओनली मॉडल्स बट ऑल्सो ओरिजिनल आर्ट ऑफ मैन इन लाइफ लाइक सेटिंग. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय एक ओपन एयर म्यूजियम है इंडिया में, जिसमें सिर्फ मॉडल्स ही नहीं है लेकिन ओरिजिनल आर्ट है जो मैन का, जिसमें ऐसा लगता है कि उनकी जो लाइफ है उसकी पूरी सेटिंग वहां पर दिखाई गई है. क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज इट सिचुएटेड? ये कहां पर स्थित है? आंसर, इट इज सिचुएटेड इन भोपाल अलोंग अ 7 माइल लॉन्ग स्ट्रिप of land on Shamla Hills, overlooking the magnificent Upper Lake. ये भोपाल में एक 7 मील लंबी स्ट्रिप जो कि Shamla Hills में है वहां पर है और इसके ऊपर से जो अपर लेक है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है. क्वेश्चन नंबर 4, वॉट इज पैरोल? पैरोल क्या है? पैरोल इज द गेट कंस्ट्रक्टेड इन अ ट्रेडिशनल हिमालयन विलेज स्टाइल. पैरोल हिमालयन ट्रेडिशनल हिमालयन विलेज स्टाइल का एक गेट है जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पे बना हुआ है. क्वेश्चन नंबर 5, वॉट डू यू नो अबाउट वेथी संकुल? वेथी संकुल के बारे में आप क्या जानते हैं? आंसर, वेथी संकुल is one of the main museum building in Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya based on the theme of human evolution. It depicts various stages of biological changes in the evolution of man through life-size models, photographs and sketches. Vethi Sankul, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का जो मेन म्यूजियम बिल्डिंग है वो है, जिसमें ह्यूमन एवोल्यूशन की थीम से बेस्ड जो उनकी बायोलॉजिकल चेंजेस एवोल्यूशन के मैन के, वो लाइफ साइज मॉडल्स, फोटोग्राफ्स और स्केचेस के रूप में दिखाए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मेक्स दिस म्यूजियम डिफरेंट फ्रॉम अदर? इस म्यूजियम को दूसरे म्यूजियम से ये डिफरेंट कैसे बनता है? Answer, what makes this museum different from other is the fact that it preserves folk art and tribal communities, their habitats, their cultural diversities and their relationship with nature. There are many such realistic settlements in the museum, the coastal village, the desert village, the Himalayan village, the tribal habitat, etc. ये म्यूजियम दूसरे म्यूजियम से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें फोक आर्ट्स और ट्राइबल कम्युनिटीज के हैबिटेट्स, उनके कल्चरल डाइवर्सिटीज, नेचर के साथ उनका रिलेशन, ये सारी चीजें जो हैं वो उस म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखी हुई हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स that are related with parole and Vethi Sankul and write them in the space given. Here students, there are some words given. So you have to find out the words which is given from parole and from Vethi Sankul and write it here.
The words which are related to parole are Himalayan village, style, wonderful, gate, main entrance. And the word which are related with Vethi Sankul is building, exhibits, human evolution, models and photographs. So students, you have to write all these answers and this exercise in your FAIR notebook.